आप। रोहित, ये माल क्या होता है? माल? माल माने इंसान। अच्छे इंसान को अच्छा माल कहते हैं। रोहित, एक बात कहूं तुमसे, तुम भी बहुत अच्छे माल हो। बताती हूँ, मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा सब झूठ था। सच तो ये है कि मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करता। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। अब मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हम भी अपनी उंगली टेढ़ी कर देते। सुन रहे तो क्या हुआ? अगर हम रोमांस की बातें कर रहे हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है? ए बाबा, तुम्हारे बाप का कुछ जाता है? नहीं जाता। इनके बाप का कुछ नहीं जाता है। वी कैन कंटिन्यू विद द रोमांस। क्या हरामी बुड्ढा है ये? चल चल। चुम्मा चुम्मा दे दे प्लीज डार्लिंग। ए बुड्ढे, पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, चुम्मा लेगा? चुम्मा दांतों से थोड़ी लिया जाता है, चुम्मा तो लिया जाता है। साला खुसा। सुनो, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? बस इतना ही काफी है। आपकी बार हम छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। क्या हुआ यार, समझ नहीं आ रहा आज क्या सब्जी बनाऊं। पनीर बना ले। पनीर आपने लाके कहाँ दिया था मुझे? क्या है घर में, आलू बना ले। आप ही तो बोलते हो कि रोज रोज आलू मत बनाया कर। दाल रात को ही तो बनाई थी। गोभी बेटी नहीं खाती। छोले बना ले। उन्हें पहले भिगोना पड़ता है। यार तू कुछ भी बना ले। समझ ही तो नहीं आ रहा क्या बनाऊं, बताओ ना। यार तू मेरा दिमाग खराब मत कर, तू बाहर से मंगा ले। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थी, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की 1 बीवी है, वो भी जिद्दी। अरे लिसन, उस दिन मैंने देखा तुम वो पीछे सुपरमैन जैसा केप लटका के भाग रहे थे। सुपरहीरो? ना ना, नंदू नाई के बाल कटाने गया, दाढ़ी वाड़ी करवाई, 105 रुपए मांग रहा था। बाल भी मेरे पैसे भी मैं दूं, कट लिया मैं। हट। तुम फिर आ गए? उस दिन टपका था, आज भेजा गया हूँ। माँ ने दही भेजा है। उस दिन बाथरूम में, आज बेडरूम में, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? बाथरूम में तो शर्म आती है, बेडरूम में शर्म कैसी? और इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें जब देखता हूँ तो तुम पर आंखें टिक जाती है। हाँ। अरे तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? खुद को तो कुछ कहती नहीं, मुझे गुस्सा करती रहती हो। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? अरे चुपचाप क्यों खड़ी हो? पांचवी क्लास। पांचवी क्लास? तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था मुझे धोखा देने के लिए। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं 5वीं में आई तो मास्टर ने कहा मुझे 4थी में होना चाहिए। जब मैं 4थी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे 3री में होना चाहिए। फिर मैं 3री पास करके 4थी में गई, 4थी पास करके 5वीं में गई, फिर 4थी में आई, फिर 3री में आई। ऐसा 3 बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी, तो तुमने सर क्यों हिलाया? आपने सर हिलाकर पूछा, मैंने भी सर हिला दिया।